Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our lecture of maths from chapter 1, numbers and arithmetic operations. Exercise 1B and question 10. Page number 10. Book page 10. Question is, subtract 500 from each of the following. इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन होंगे. लाइक हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, वो था सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमारे पास उसमें पार्ट्स गिवन थे, पार्ट ए, बी एंड अप टू सो ऑन. उसमें हमारे पास जो नंबर्स थे उसको हमने हर नंबर को ईच ऑफ द फॉलोइंग मींस उसके नीचे जितने भी नंबर्स गिवन थे हमने उन तमाम नंबर्स को 100 में से 100 को माइनस किया था उस नंबर में से. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सब्ट्रैक्ट 500 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग. मैंने आपको बताया था जब मैथ्स में दो नंबर्स के दरमियान फ्रॉम आता है इट मींस हमने फर्स्ट नंबर को सेकंड में से माइनस करना है. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर्स गिवन है उन तमाम नंबर्स में से हमने 500 को माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा. पार्ट ए इज 385,620. Ones, tens, hundreds, thousands, ten thousands, and hundred thousands. 385,620. हमने इस नंबर में से 500 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वर्टिकली लिख लेंगे. वर्टिकली लिखने का मेथड मैंने आपको बताया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये नंबर लिखेंगे एंड देन उसके नीचे 500 लिखेंगे. 500 उसके नीचे कैसे लिखेंगे, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे. इट मींस इस जीरो से, इस साइड से नहीं, राइट साइड से स्टार्ट लेंगे एंड 500 के राइट साइड पे, इस साइड से नहीं, इस साइड से अगर स्टार्ट लेते तो 5 फर्स्ट डिजिट होता. राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होगा वो हम राइट साइड पे फर्स्ट पे लिखेंगे. 500 हम इसके नीचे हमने लिख लिया. अब हम इसमें से माइनस करेंगे. 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2. 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1. 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है सो 5 एज इट इज आंसर में आ जाएगा. 8 के नीचे भी कोई नंबर नहीं है, 8 एज इट इज, एंड 3 इज आल्सो एज इट इज. आंसर इज 385,120. पार्ट डी, पार्ट बी एंड सी आपने खुद सॉल्व करने हैं. पार्ट डी इज 284,320. यूनिट्स आपने काउंट कर लेने हैं. सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन आपने इनको फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकली लिखना है. राइट साइड से स्टार्ट लेंगे जब हम सेकंड नंबर इसके नीचे लिखेंगे. ये बात आपने हमेशा याद रखनी है. 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2. 3 माइनस 5. अब यू कैन ऑब्जर्व दैट 3 इज लेस देन 5. 3 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 3 के पास इटसेल्फ, 3 के पास खुद उसके पास 5 नंबर्स नहीं हैं. 3 इज लेस देन 5 सो हम 3 को 13 बनाएंगे. वो हम कैसे बनाएंगे, इस 4 से हमें यहाँ पे कैरी लेके जाना पड़ेगा. देन हम इस 3 के साथ जब 1 कैरी लेंगे तो इसको 13 बना लेंगे. देन यहाँ पे हमारे पास 3 नहीं होगा, 13 होगा. 13 में से 5 को माइनस करेंगे. 13 में से 5 को माइनस करना अब ईजी हो जाएगा. 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8. 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पे 4 था. इस 4 में से मैं यहाँ पे एक कैरी ले गई थी, हमारे पास अब यहाँ पे 4 नहीं था. एक कैरी ले गए थे इट मीन्स 1 माइनस हो गया था. अब हमारे पास यहाँ पे था 3. सो 3 के नीचे अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है सो 3 एज इट इज़ आंसर में आ जाएगा. 8 एज इट इज़. अगर यहाँ पे मैं 0 अज्यूम कर भी लूँ तब भी आंसर वही आएगा. 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3. 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8. सो 3 एज इट इज आ जाएगा, 8 एज इट इज, एंड 2 एज इट इज. आंसर इज 283,820. 200 ये मैंने क्यों पढ़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स एंड हंड्रेड थाउजेंड्स. 283,820.
पार्ट बी एंड सी यू हैव टू सॉल्व देम बाय योरसेल्फ बिकॉज दे आर सेम एज पार्ट ए एंड डी. सो स्टूडेंट्स आर एक्सरसाइज 1B इज कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन योर बुक पेज 10. आपके बुक पेज नंबर 10 पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है. इसमें भी हमें नंबर्स को बेसिकली ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना होगा, बट इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो एज अ स्टेटमेंट गिवन होंगे. हमारे पास स्टेटमेंट होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस स्टेटमेंट को रीड करके अच्छी तरह से समझना होगा कि उसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, डिमांड क्या की जा रही है, हमने उसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है. तो आपकी बुक पेज नंबर 10 पे ये प्रॉब्लम्स हैं. रीड द प्रॉब्लम्स केयरफुली, प्रॉब्लम्स को एहतियात से पढ़ें, मीन्स उनको सही अंडरस्टैंड करें, ऑब्जर्व करें. डिसाइड whether यू शुड ऐड आर सब्ट्रैक्ट, एंड फिर आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ के समझ के ये फैसला करना है कि हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट. टू सॉल्व देम, उनको हल करने के लिए राइट कंप्लीट स्टेटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी होगी एज अ क्वेश्चन. आपने जो मैंने एक्सरसाइज 1D करवाई है, 1B सॉरी, उसके क्वेश्चंस जो बुक पे सॉल्व होते हैं वो आपने बुक पे करने हैं, एंड जो नोटबुक वाले हैं वो आपने नोटबुक पे करने हैं. ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने होंगे, एंड एज अ क्वेश्चन आपने ये चैप्टर नंबर ये लिखना होगा. एंड एज अ क्वेश्चन आपने प्रॉब्लम 1 की फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट एंड देन सोल्यूशन मैंने किया है, मैं आपको ये साथ में समझाती हूँ. प्रॉब्लम 1 इज अ फैक्ट्री मेड 64,750 वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स एंड टेन थाउजेंड्स. टेन थाउजेंड एंड सो हम 6,000 नहीं पढ़ेंगे, 64,750 जूट बैग्स ऑन मंडे. एक फैक्ट्री है जो मंडे को 64,750 बैग्स बना रही है, एंड 51,060 हंड्रेड्स में यहाँ पे जीरो है, 51,060 मोर ऑन ट्यूसडे. मोर मीन मजीद, ज़्यादा. वो कहते हैं कि एक फैक्ट्री है जो मंडे को 64,750 बैग्स बना रही है, एंड ट्यूसडे को वो मजीद बैग बना रही है. वो कितने हैं? 51,060. ट्यूसडे को वो इतने मजीद बैग बना रही है. हाउ मैनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर, उन्होंने मिलके, ऑल टुगेदर मीन इकट्ठे करके, अगर हम उनको ऐड करें, उनको इकट्ठा करें कि उन्होंने टोटली कितने बैग बनाए हैं, टोटल करना है हमने उनका. उन दोनों ने फैक्ट्री ने दोनों दिन में मिल मिला के कितने बैग्स बनाए हैं. सॉल्यूशन, बैग्स मेड ऑन मंडे, ये आपके पास जो गिवन है. सबसे पहले आप जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे केयरफुली रीड करना है, देन उसको समझना है कि हमने इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट. देन जो चीज़ आपके पास गिवन है, जो वैल्यू आपको बताई जा रही है, दी गई है, वो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखनी होती है. बैग्स मेड ऑन मंडे इक्वल टू 64,750. देन हमारे पास एक और चीज़ भी गिवन है, बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे. बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू 51,060. अब फाइंड हमें क्या करना है, हाउ मैनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर, उन्होंने मिलके, सॉरी दोनों इस फैक्ट्री में दोनों दिन में कितने बैग बनाए, मंडे एंड ट्यूसडे को दोनों दिनों में टोटली कितने बैग बनाए. उसके लिए देखें आप, अब हमें ये फाइंड करना है कि दोनों दिन में कितने बनाए. तो आप ये बात आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें उन दोनों दिन के जो बैग्स बनाए हैं उन्होंने, उन दोनों दिनों के बैग्स को प्लस करना होगा, उन नंबर्स को प्लस करना होगा. मंडे, जो मंडे को बैग बनाए उस नंबर को, एंड जो ट्यूसडे को बनाए उन नंबर्स को, उस नंबर को भी हमें दोनों नंबर्स को प्लस करना होगा. देन हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों दिनों में उन्होंने मिलाकर कितने बैग बनाए. बैग्स मेड ऑल टुगेदर, मिल के कितने उन्होंने बैग बनाए. सो हम क्या करेंगे, मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दिनों के बैग्स को ऐड कर लेंगे. 64,750 प्लस 51,060, दोनों को प्लस करना है. मैंने ये साथ में
रफ वर्क के तौर पर सॉल्व किया है, आप अपनी नोटबुक पे यहाँ इसके नीचे भी वर्टिकली लिख के सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टली लिखा है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इनको वर्टिकली लिखेंगे, राइट वर्टिकली एंड ऐड 64,750, 51,060, प्लस कर लेते हैं इनको, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 5 + 6 इज इक्वल टू 11, 11 इज टू डिजिट आंसर, 1 इज ऑन राइट साइड एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड। हमारे पास जब दो डिजिट आंसर आता है तो आप जानते हैं कि हम जो राइट साइड पे नंबर होता है उसको सम के नीचे लिखते हैं एंड जो लेफ्ट साइड पे होता है उसको नेक्स्ट सम पे कैरी ले लेते हैं। सो 7 + 0 इज इक्वल टू 7, 7 + 1 कैरी वाला 1 मस्ट ऐड करना है 8, 4 + 1 5, 6 + 5 इज इक्वल टू 11, 11 इज टू डिजिट आंसर बट हमारे पास नेक्स्ट कोई सम नहीं है, कोई नंबर नहीं है, सो हम 11 एज इट इज पूरा लिखेंगे। सो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स एंड हंड्रेड थाउजेंड्स, 115,810। टोटली जो हमने मंडे ट्यूसडे को उस फैक्ट्री ने मिल के बैग बनाए वो कितने हैं, 115,810। आंसर इज दिस। प्रॉब्लम टू, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में मिस्टर कमाल गॉट 156,720 वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स एंड हंड्रेड थाउजेंड्स। मिस्टर कमाल ने एक इलेक्शन में, उन्होंने एक इलेक्शन में 156,720 वोट्स हासिल की मिस्टर कमाल ने, एंड मिसेस आबिद गॉट 158,986 वोट्स, और मिसेस आबिद ने 158,986 वोट्स हासिल की। ये वोट्स मिस्टर कमाल ने हासिल की एंड ये वोट्स उनके कंपैरिजन में मिसेस आबिद ने ये वोट्स हासिल की। हु गॉट मोर वोट्स, दोनों में से किसने ज़्यादा वोट्स हासिल की, एंड हाउ मैनी मोर, और कितनी ज़्यादा हासिल की। हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि किसने ज़्यादा वोट्स हासिल की दोनों में से, एंड सेकेंड वन के जितनी उसने ज़्यादा हासिल की उनकी तादाद क्या है, कितनी ज़्यादा हासिल की, मतलब कितने नंबर्स पे उनको जीत हुई। सोल्यूशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमारे पास गिवन होती है स्टेटमेंट में। मिस्टर कमाल गॉट वोट्स, मिस्टर कमाल ने वोट्स हासिल की कितनी, 156,720 इट्स गिवन। मिसेस आबिद गॉट वोट्स, मिसेस आबिद ने कितनी वोट्स हासिल की थी, 158,986 लिख लिया हमने इन दोनों के नंबर्स को जो इन्होंने वोट्स हासिल की थी। वी कैन ऑब्जर्व दैट मिसेस आबिद गॉट मोर वोट्स देन मिस्टर कमाल। हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मिसेस आबिद ने ज़्यादा वोट्स हासिल की, कैसे, मैंने आपको इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में एंड प्रीवियस एक्सरसाइज में भी मैंने आपको लेस देन एंड ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है। हमने नंबर्स को कंपेयर किया था लेस एंड इक्वल, आप वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। एक साइड पे आप इस नंबर को लिखें एंड देन उसके ऑपोजिट आप ये नंबर लिखें एंड उसको काउंट करें, यूनिट्स में काउंट करें एंड देन फाइंड करें विच नंबर इज़ लेस देन एंड विच नंबर इज़ ग्रेटर। आप यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, देखें 156,000, ये 100,000 से, यहाँ पे 100,000 से, मैंने आपको बताया था कि जब हम काउंट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करें कि हमारे पास वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स एंड हंड्रेड थाउजेंड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स एंड हंड्रेड थाउजेंड्स। हमारे पास दोनों नंबर्स की वैल्यू 100,000 से ही स्टार्ट हो रही है, बट हमने ये चेक करना होगा कि किस नंबर की। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 100,000 को चेक करना होगा, दोनों तरफ 100,000 सेम है। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला जो यूनिट होता है, हम वहाँ से 100, यहाँ पे भी 100,000 है एंड
यहाँ पे भी 100,000 है, सेम है 100,000। अब हम 10,000 काउंट करेंगे, 10,000 जिस नंबर में ज़्यादा होंगे हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ लेसर। अगर वो भी इक्वल हुए तो हम हंड्रेड्स को कंपेयर करेंगे, 56,000, 58,000। देखें 56,000 इज लेस देन 58, हमें पता चल गया। अब हमें नेक्स्ट कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 56 इज लेस देन 58। मिसेस आबिद ने, मिसेस आबिद के पास 100 के बाद जो 10,000 58,000 उन्होंने वोट्स हासिल की, बट मिस्टर कमाल के पास 56 वोट्स थी, सो मिसेस आबिद ने ज़्यादा वोट्स हासिल की। सो आप ये लिख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व डैट मिसेस आबिद गॉट मोर वोट्स देन मिस्टर कमाल। अब हमें ये तो पता चल गया कि किसने ज़्यादा वोट्स हासिल की, नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मोर वोट्स गॉट मिसेस आबिद। अब हमने ये फाइंड करना है कि मिसेज आबिद ने जो वोट्स ज़्यादा हासिल की हैं वो कितनी हैं, उनके नंबर क्या हैं। फॉर दिस वी अप्लाई ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, उसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करनी होगी। वाई, आप देखें मिसेज आबिद ने ज़्यादा वोट्स हासिल की हैं उनके मुकाबले में मिस्टर कमाल ने कम हासिल की हैं, लेकिन मिस्टर कमाल के पास भी वोट्स हैं। मिसेज आबिद की जो टोटल वोट्स हैं, अगर हम उन वोट्स में से मिस्टर कमाल की वोट्स को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो एक्स्ट्रा वोट्स मिसेस आबिद के पास लेफ्ट होंगी, बचेंगी, वो उनकी एक्स्ट्रा वोट्स, वो वोट्स होंगी जिनकी बेस पे वो जीत गई। वोट्स गॉट बाय मिसेस आबिद, वोट्स गॉट बाय मिस्टर कमाल, दोनों को माइनस करेंगे। मिसेस आबिद की वोट्स थी हमारे पास 158,986, 156,720, दोनों को माइनस कर लें। 6 - 0 इज इक्वल टू 6, 8 - 2 इज इक्वल टू 6, 9 - 7 इज इक्वल टू 2, 8 - 6 इज इक्वल टू 2, 5 - 5 - 0, 1 - 1 - 0 एंड यू नो डैट व्हेन 0 इज ऑन लेफ्ट साइड इट हैज नो वैल्यू, सो हम 0 नहीं लिखेंगे। आंसर इज 2,266 इज द आंसर। ये वो वोट्स हैं जो मिसेज आबिद ने मिस्टर कमाल के कंपैरिजन में ज़्यादा जीती हैं और जिनकी बेस पे वो जीती हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 10 एंड बुक पेज पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उस हमने प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2 सॉल्व किए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।